उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन फिगर, इस वाले फिगर में ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है, ये अंदर वाला, ये एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब वो अंदर की तरफ है। ऑफ साइड फाइव इन स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, जहां पर आपके सामने ये स्क्वायर जो है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड अनदर सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर, और आपके सामने एक अनदर सर्कल है, वो क्या कर रहा है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो उसको यहाँ पर बाहर की तरफ से घेर रहा है। इज इट ट्रू टू से डेट, तो क्या ये कहना सही होगा कि एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, जो हमारे पास बाहर वाला सर्कल है, उसका एरिया इज 2 times द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, क्या वो अंदर वाले सर्कल के एरिया के 2 times होगा, क्या ये कहना सही है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी देना है। मतलब क्वेश्चन वाले ने बस इतना कहा है कि आपके पास ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग की छोटी सी बात जानते हैं कि आपके पास जो स्क्वायर होता है उसकी साइड हमेशा सेम होती है, चारों तरफ से मतलब सेम होती है। अगर ये 5 तो ये पूरा भी 5, ये पूरा भी 5 और यहाँ पर ये पूरा भी 5। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर आपके पास यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली साइड यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो आप लोग जानते हो ये वाली साइड भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर का साइड जो यहाँ नीचे होता है वही यहाँ पे होता है, वही यहाँ बीच में होता है, वही यहाँ इसके ऊपर होता है, वही यहाँ सबसे ऊपर होता है। तो अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। इनडायरेक्टली आपने स्क्वायर जो स्क्वायर का साइड था उसके हिसाब से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर अंदर वाले सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लिया। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अब अगर सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, वो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो आपके सामने अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप लोग एक काम करो, उसका एरिया निकाल लो। तो जब एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, और जो आप, या फिर एक काम करो, पाई को अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल होगा। तो पाई आपका एज इट इज, रेडियस कितना है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने अंदर वाले सर्कल का एरिया आ गया। अब हम लोगों को बाहर वाले सर्कल का एरिया चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस तरीके से एक डायगोनल को डालता हूँ और इसके हिसाब से क्या होगा कि अगर मेरे पास ये वाला, ये साइड मेरे पास 5 है और ये वाला रिजल्ट भी मेरे पास 5 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं अपनी हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकता हूं, जो कि इनडायरेक्टली मेरे लिए इस आउटर वाले सर्कल का डायमीटर बन के काम करेगा, क्योंकि ये भी डायमीटर, अगर आपने ये डाला तो ये भी यहां पर डायमीटर, इस तरीके से, आप समझ रहे हो, तो इस तरीके से शेप बनेगा, ये और यहां पर ये, तो ये 5, यहां पर ये वाला भी 5, ये निकालना है क्या होगा, तो लगा दो अपना परपेंडिकुलर और बेस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम अगर देना चाहो तो दे दो सॉल्व करने के लिए, तो एक काम करते हैं नाम देते, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से इतना वो नहीं होगा। तो यहां पर ए बी सी डी ओ ये हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दो पी क्यू आर, और यहां पर ऐसे ऐसे कुछ भी नाम दे दो, नाम तो जनरली है। तो इन ट्रायंगल बीसीडी यहां लिख दो, इन ट्रायंगल बीसीडी में पाइथागोरस को लगा रहे हो, तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बीसी का स्क्वायर और प्लस का ये वाला आपके पास यहाँ पे सीडी का स्क्वायर। तो जो आपके पास यहाँ पर बीसी है वो बीसी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर सीडी जो है वो भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस फिर से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये बीडी का स्क्वायर एज इट इज। तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में 25 प्लस करोगे 50 आएगा, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आपके पास अंडर रूट का 50। क्या मैं 50 को लिख सकता हूं 25 2 जा 50, तो यहां पे 2 तो अंडर रूट के अंदर ऐसे रहेगा, लेकिन 25 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 अंडर रूट 2 आपके पास यहां पर
इस अंदर वाले सर्कल का डायमीटर आ गया, क्योंकि भले ही हमने हाइपोटेन्यूस निकाला है, इसका स्क्वायर का डायगोनल निकाला है, लेकिन वो हमारे लिए इस बाहर वाले सर्कल का डायमीटर का काम कर रहा है। तो अगर डायमीटर 5 अंडर रूट 2 है तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, 5/2 अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, इस बाहर वाले का भी एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा ऑफ आउटर सर्कल, इस बाहर वाले सर्कल का अगर आप लोग एरिया निकालोगे तो वो रिजल्ट मिलेगा पाई, कैपिटल आर नाम दे दिया, कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई तो एज इट इज रहेगा, जो ये कैपिटल आर है उसकी जगह ये वाला 5/2 और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो पाई और 5/2 का मतलब क्या होगा, 25/4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। और यहां पे ये 2.5 का होल स्क्वायर। देखो क्या मैं 2.5 को 5/2 लिख सकता हूं, और अगर आपने इसका स्क्वायर करा तो 5 का स्क्वायर 25/2 का 4 और ये पाई एज इट इज। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या डबल है अंदर वाले सर्कल के एरिया के हिसाब से, बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या डबल है अंदर वाले सर्कल के एरिया का, तो बाहर वाले सर्कल 2 × 25/4π और अंदर वाले सर्कल 25/4π। तो ये चीज आउटर डबल है इनर का, और यही हम लोगों को फाइंड करना था, मतलब स्टेटमेंट आपका ट्रू है, जो रीजन देना था वो आपके पास रीजन ये है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?